मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग good morning good morning voice is clear visibility is clear very good what we have understood in the last class bacha सर चैप्टर नंबर सेकंड का रिविजन कब करेंगे ओके सेकंड नंबर चैप्टर का रिविजन बच्चा हम लोग करेंगे कल कल हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड का रिविजन करेंगे ओके okay. और आदेश करें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी जल्दी आ जाए करो यार तुम लोग बहुत धीरे 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 आते हो We have discussed life insurance in the last class. Very good. Uh, and today we are going to start fire insurance, right? पेपर कैसा बना है अच्छा बना है हाँ और, और कोई डाउट सब पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं ये भी पूछ लो बच्चा स्क्रीन इज पॉज्ड नहीं बच्चा मेरी तरफ से स्क्रीन एकदम प्रॉपर है हितांश प्लीज चेक योर ओन नेटवर्क बच्चा यस फायर इंश्योरेंस स्क्रीन इज गुड Fire insurance is a contract which one party that is called insurer in return for a consideration that consideration is known as premium agrees to identify uh, indemnify, indemnify it means taking risk losses.

टू पर्सन अब यहाँ पर दो लोग कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा एक पर्सन तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी होगी और दूसरा पर्सन यहां पर क्या हो कौन होगा इंश्योर्ड पर्सन होगा ठीक है अब इंश्योर्ड पर्सन ने अगर कहा है कि हमें स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक का फायर इंश्योरेंस चाहिए

कंसिडरेशन के तौर पर प्रीमियम का पेमेंट किया है फाइव लाख ,00 रुपीज के अकॉर्डिंग मैंने उनको प्रीमियम का पेमेंट कर दिया और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक सर एक साल के अंदर अंदर अगर मुझे फायर से ड्यू टू फायर अगर मुझे कोई भी डैमेज होता है कोई भी लॉस होता है तो फाइव लाख ,00 रुपीज तक का लॉस आप बियर करेंगे आपकी रिस्क है अब इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अब इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर मुझे थ्री लाख रुपीज का लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे थ्री लाख रुपीज पे करेगी फाइव लाख रुपीज का लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर तो मुझे कंपनी लाख का पे करेगी अगर मुझे टेन लाख रुपीज का लॉस हो जाता है तब भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे सिर्फ फाइव लाख रुपीज का पे करेगी बिकॉज मैंने मैक्सिमम इंश्योरेंस कितने अमाउंट का ले रखा है फाइव लाख रुपीज का ले रखा है उंट नो टाइम पीरियडिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कुछ मेंशन होगा सब कुछ मेंशन होगा कि स्टॉक कौन सा रहेगा कौन से वेयर हाउस का अपने इंश्योरेंस कराने का है फॉर विच टाइम पीरियड ठीक है द अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड Compensation and and all the terms and conditions will be disclosed in the insurance contract. understood कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल 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 अगर हम लोगों को वैसे तो देखो फायर इंश्योरेंस के केस में maximum एक साल का या दो साल का इंश्योरेंस होता है आफ्टर दैट यू कैन रिन्यू योर इंश्योरेंस पॉलिसी और उस रिन्यूअल में आप लोग इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट वापस करेंगे जनरली एक साल से ज्यादा का मुझे नहीं लगता कि फायर इंश्योरेंस होता है ठीक है एक साल या दो साल उससे ज्यादा का फायर इंश्योरेंस होता नहीं है अगर आपको अपना फायर इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है तो यू हैव टू प्रीमियम अमाउंट अगेन फॉर द नेक्स्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर नेक्स्ट यस तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन विच इंश्योर प्रोमिस टू पे डैमेज और लॉसेज अप टू द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट द डैमेज है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर हमको स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फायर की वजह से आग लगने की वजह से लॉस हुआ है तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आ, के अंदर अगर वो आग लगी है तो जो भी डैमेज हुआ है उस डैमेज का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट अंडरस्टूड अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वन क्लियर है क्या बेटा ओके okay? यस yes. यहां पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है बच्चा The contract contains the terms and conditions is known as policy. Generally, the fire insurance policy contains the name of parties, description of insured property and sum for which the property is insured, amount of premium payable and period insured against. Samya, Generally, the period of insurance is one year. Generally, the period of insurance is one year. न रिन्यू दैट इंश्योरेंस पॉलिसी यू कैन रिन्यू द इंश्योरेंस पॉलिसी अगेन फॉर द नेक्स्ट एनियपस से पेमेंट करें अपने प्रीमियम का और आपको वापस इंश्योरेंस मिल जाएगा बट बट जनरली इज द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस इज वन ईयर लाइफ इंश्योरेंस ट्वेंटी ईयर्स का हो सकता है ट्वेंटी फाइव ईयर्स का हो सकता है फिफ्टीन ईयर का हो सकता है लेकिन अदर देन अदर देन लाइफ इंश्योरेंस जितने भी प्रीमियम होते हैं जितने भी इंश्योरेंसेज होते हैं जनरली वो वन ईयर टू फाइव इयर्स के बीच में वेरी करते हैं पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंश्योरेंस वन ईयर के होते हैं चाहे आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो चाहे आप टर्म इंश्योरेंस ले लो चाहे फायर इंश्योरेंस ले, ले चाहे किसी भी तरीके का इंश्योरेंस ले लें बस हाँ मरीन इंश्योरेंस स्पेसिफाइड कंडक्ट का इंश्योरेंस होता है कि मेरा जो वेसल है मेरा जो शिप है वो शिप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो ये इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा तब तक का इंश्योरेंस होगा तो वो मरीन इंश्योरेंस है अंडरस्टूड कोई दिक्कत है क्या यहां पर इच एंड एवरीथिंग इज क्लियर वेरी गुड

जब एक्चुअल में कमेटी आती है सर्वे करने के लिए कि यह आग कैसे लगी थी वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड फायर और अगर उनको जेन्यूननेस नहीं लगती है तो वो क्लेम भी पास नहीं करते जनरली भिलवाड़ा के अंदर एक फैक्ट्री है हर साल वहां पर आग लगती है हर साल वो लोग क्या करते हैं उन्होंने अपने वेयर हाउस का इंश्योरेंस कराया हुआ है फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है और उन्होंने अपने वेयर हाउस का ठीक है उस वेयर हाउस का इंश्योरेंस उन्होंने कराया हुआ है टेन लाख रुपीस का उनके अंदर उनका गुड्स रखा हुआ रहता है गुड्स रखा हुआ रहता है उसमें ठीक है अब जब भी उनको लगता है कि यार अपने पास में डैमेज स्टॉक ज्यादा हो गया है डैमेज स्टॉक ज्यादा हो गया जिसकी वैल्यू जीरो है सपोज दैट क्लोथ क्लोथ में डैमेज या आउटडेटेड क्लोथ बहुत ज्यादा हो गया है वो क्या करते हैं अपना जो प्रीमियम क्लोथ है जो अपना सही गुड्स है वो बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर वो पुराना खराब गुड्स अंदर रख देते हैं अंदर डाल देते हैं और किसी भी रीजन से वहां पर फायर लगा देते चाहे वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो वहां पर वो आग लगा देते हैं इंटेंशनली वो ऐसा कर रहे हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनी उस गुड्स का पूरा पैसा दे दे इंटेंशनली कर रहे हैं वो ऐसा तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को इसका पेमेंट करना चाहिए क्या नो no, नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने इंटेंशनली फायर लगाकर और फायर इंश्योरेंस क्लेम करने के पर्पज से ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन का पेमेंट करने से मना कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी कैन डिक्लाइन टू पे तो इंपॉर्टेंट क्या है फायर फायर इंश्योरेंस मींस एक्चुअल होना चाहिए ऐसा नहीं है कि धुआं निकल रहा था और इसकी वजह से हो गया फायर मतलब एक्चुअल फायर होना चाहिए ठीक है एंड इट शुड बी एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल हमें पता नहीं था और एक्सीडेंटली वहां पर फायर हो गई जान के अगर आपने आग लगाई है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का पेमेंट करने से मना कर सकती है फायर पॉलिसी कवर्स लॉस ट्रू द फायर कॉज बाय रियॉर्ट सिविल स्ट्रिफ, रिबेलियन एंड और फॉरेन एनिमी अगर सपोज दैट आपका गोडाउन जो है वो uh, पाकिस्तान बाउंड्री के वहां पर है पाकिस्तान बॉर्डर के उधर है ठीक है पाकिस्तान के उधर से कोई मिसाइल आई सीधा आपके गोडाउन के ऊपर और वो गोडाउन डैमेज हो गया तो ऐसी कंडीशन में फायर इंश्योरेंस का क्लेम मिलना चाहिए यस मिलना चाहिए आपने जानबूझ के पाकिस्तान फोन किया था कि भाई मिसाइल फेंक जल्दी नहीं किया था ना तो ऐसी कंडीशन में फायर इंश्योरेंस मिलना चाहिए ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कितने प्रिंसिपल्स हैं बताएं इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स कितने हैं हमारे पास प्लीज नेम ऑल द प्रिंसिपल्स प्लीज नेम ऑल द प्रिंसिपल्स सेवन प्रिंसिपल्स हैं ओके नेम ऑल द प्रिंसिपल्स नेम ऑल द प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल है कुछ वो जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है अच्छा प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ अच्छा केवल मैं अपने गुड्स का ही इंश्योरेंस करा सकता हूं नेबर के गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता हूं इंश्योरेबल इंटरेस्ट ओके अगर मैंने एक ही गुड्स का दो अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट ले रखा है तो मैं केवल और केवल अगर मैंने दो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट ले रखा है तो केवल मैं आ, उनसे लॉस का ले सकता हूं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ओके आग लगी है और आग का इंश्योरेंस कराया फायर का इंश्योरेंस कराया फायर इंश्योरेंस कराया तो आग लगने पर ही इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा फ्लड लगने पर नहीं होगा कौन सा होगा ओके okay. अगर फायर इंश्योरेंस करवा लिया है और आग लग रही है तो मुझे उन वो सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे लॉस कम से कम हो जिससे लॉस कम से कम हो फॉर द पर्पज ऑफ मिनिमाइजिंग द से लॉसेज आई हैव टू टेक स्टेप्स नसेसरी स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉसेस मिटिगेशन ऑफ लॉसेस वेरी गुड ओके अगर उस लॉसड और डेमेज गुड्स को अगर मैं रीसेल करके अगर कोई भी स्क्रैप अमाउंट रिसीव कर रहा हूं तो स्क्रैप अमाउंट रिसीव करने का राइट इंश्योरेंस कंपनी का होगा मेरा नहीं होगा दैट इज कॉल्ड सब्रोगेशन वेरी गुड अंडरस्टुड इट मीन्स ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं कोई भी ऐसा इंश्योरेंस प्रिंसिपल नहीं है जो फायर इंश्योरेंस पे नहीं होता है सारे होते हैं ध्यान रखना लाइफ इंश्योरेंस पे कुछ प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं होते मैंने आपको क्लियरली कल बता दिया था अंडरस्टंड मेन एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस आर the insurable interest should be present at the time of taking policy as well as at the time of loss the insurable interest हम लोगों ने पढ़ा है पहले ये पढ़ा है वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड द फायर इंश्योरेंस कि फायर इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है वो Do no time at the time of taking policy as well as at the time of taking losses or compensation also the contract of fire insurance is also a contract of utmost good faith and insured must disclose all the material factors related to the property for which insurance is taken the principle of indemnity is strictly applicable on fire insurance as insured get only loss amount और पॉलिसी अमाउंट विच इज लेस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी मैंने फाइव लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया था और उस गुड्स का मैंने टेन लाख रुपीज का मैंने इंश्योरेंस करवा दिया अगर मैं मार्केट में वो गुड्स सेल करता तो वो गुड्स एट लाख रुपीज में सेल होता मेरे उस गुड्स की मार्केट वैल्यू कितनी थी एट लाख रुपीज पर वो गुड्स मैंने परचेज कितने में किया था फाइव लाख रुपीज में वो गुड्स ड्यू टू फायर डैमेज हो जाता है ड्यू टू फायर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कंप्लीटली और उस गुड्स के स्क्रैप वैल्यू अब बची है वन लाख रुपीज मैंने उसे वन रुपीज में सेल कर दिया। अब मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम मुझे कितना अमाउंट पे करेगी वेरी गुड फोर लाख रुपीज वाई फोर लाख रुपीज क्योंकि सर फाइव लाख रुपीज का गुड्स था वन लाख रुपीज आपने स्क्रैप वैल्यू से अर्न कर लिया तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ सर फोर लाख रुपीज का इसलिए कंपनी आपको सिर्फ फोर लाख रुपीज ही पे करेगी विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन दैट विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन दैट बच्चा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी बच्चा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी एक्चुअल जितना लॉस हुआ है केवल उतना ही पेमेंट मिलेगा इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी नॉट इंश्योरेबल इंटरेस्ट नॉट सब्रोगेशन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी वेरी गुड प्रिय अंडरस्टुड each and every one the compensation is paid only when the loss is due to fire so doctrine of causa proxima is also strictly followed the compensation paid only when the loss is due to fire which principle अगर फ्लड लगने की वजह से अगर लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी फायर इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं करेगी विथ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन दैट कॉज़ अप्रॉक्सिमा वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स इट मीन्स सारे प्रिंसिपल्स क्लियर है इंश्योरेंस आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है Yes, marine insurance students. Marine insurance. What is the marine insurance? The contract of marine insurance can be defined as an arrangement under which the insurer undertakes to indemnify the insured in manner and so extend thereby agreed against marine losses. अगर किसी पर्सन को मरीन में कोई लॉस हो जाता है कोई डैमेज हो जाता है अब मरीन में क्या क्या हो सकता है सर स्ट्रॉन्ग हो सकता है कॉलिशन हो सकता है कैप्चर हो सकता है सीजर हो सकता है सिंकिंग ऑफ शिप हो सकता है कोई भी पायरेट्स आ आ सक मरीन पायरेट्स आ सकते हैं आपके गुड्स को आपके जहाज से लेकर के जा सकते हैं हो सकता है जहाज ही डूब जाए हो सकता है कि जहाज पर आग लग जाए हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो अगर हमारे गुड्स को समुद्र में मरीन में अगर कुछ भी हो जाता है और आपने था या कुछ था। सर, हमने तो मरीन इंश्योरेंस कराया था इसमें गुड्स में तो वो समुद्र में चल रहा था और आग लग गई बिजली गिर गई आग लग गई तो अब इसका इंश्योरेंस पेमेंट होगा या नहीं होगा बट अब मरीन इंश्योरेंस का मतलब हो गया कि मरीन के अंदर समुद्र के अंदर कुछ भी हो जाता है कुछ भी चाहे फ्लड आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए अगर आपका गुड्स इन मरीन है इन वेसल है तो उस गुड्स से रिलेटेड जो भी लॉस होगा वो मरीन इंश्योरेंस का पार्ट होगा अंडरस्टुड marine insurance is a contract between insured and insurer the insured may be cargo owner or the ship owner or the freight receiver the insured may be cargo owner cargo owner is the person who have their own goods ship owner it means vessel owner freight receiver is the contractor the insurer is also known as underwriter ुलर सम विच इज कॉल्ड प्रीमियम इन एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टूडर अब देखो इन्शोर्ट पर्सन कौन कौन हो सकते हैं सपोज दैट मेरा गुड्स है मैं भिलवाड़ा में रहता हूं और मैंने अपना गुड्स एक्सपोर्ट करना है मैंने मैंने अडानी पोर्ट पर गया आपने नाम सुना है अडानी पोर्ट का अडानी पोर्ट्स लिमिटेड अडानी पोर्ट पर गया अडानी पोर्ट का खुद का मरीन पोर्ट है ठीक है उनके खुद के वेसल्स हैं वो मरीन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ठीक है मेरी यहाँ पर फैक्ट्री है मैंने अपना गुड्स कपड़े का गुड कपड़ा मैंने अपना क्लोथ मटेरियल जो है वो मैंने एक्सपोर्ट करना है अफ्रीका वो मैंने कहा एक्सपोर्ट करना है बच्चा अफ्रीका एक्स, एक्सपोर्ट करना है ठीक है मैंने अडानी पोर्ट पे गया मैंने कहा सर ये मेरा गुड्स है इसको अफ्रीका एक्सपोर्ट करना है बोले ठीक है सर हो जाएगा कोई इशू नहीं है ठीक है बताइए क्या अडानी उस गुड्स का इंश्योरेंस करा सकता है क्या बिल्कुल अडानी उस गुड्स का इंश्योरेंस करा सकता है बिकॉज इट इज अ ड्यूटी ऑफ अडानी टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम मुंबई टू अफ्रीका अगर गुड्स को कुछ बीच में हो जाता है तो मैं तो कहूंगा अडानी तेरे को गुड्स दिया था मैंने अब तू जाना है तेरा काम जाने मैंने तो तेरे को कहा था ये गुड्स है तूने गुड्स चेक किया था तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तूने वहां क्यों नहीं पहुंचाया अब रस्ते में तू तो उस गुड्स को चोरी करके लेके गया तूने कुछ भी किया मुझे कोई लेना देना नहीं या तो मुझे गुड्स का पैसा चाहिए या फिर मुझे गुड्स चाहिए अब गुड्स तो बीच में डैमेज हो गया गुड्स तो बीच में दिक्कत आ गई तो अडानी पोर्ट भी इसका करा सकता है अब वो गुड्स की ओनरशिप अभी मेरे पास में है तो मैं भी उस गुड्स का इंश्योरेंस करा सकता हूं अंडरस्टूड? अच्छा विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन दैट कि अडानी भी उस गुड्स का इंश्योरेंस करा सकता है और मैं भी उस गुड्स का इंश्योरेंस करा सकता हूं नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट सामिया आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही है अच्छा आपका क्वेश्चन क्या है विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस विल बी कम ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस होगा बच्चा आपका ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस होगा मरीन इंश्योरेंस केवल और केवल तब एप्लीकेबल होता है जब हम गुड्स को बाय द मरीन बाय वे ऑफ मरीन बाय वे ऑफ रिवर बाय वे ऑफ पॉन्ड अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर प्लेस अगर हम अपने गुड्स को बाय वेसल बाय शिप अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ही मरीन इंश्योरेंस एप्लीकेबल होगा हाँ ट्रांसपोर्टर भी करा सकते हैं और आप भी करा सकते हैं दोनों में से कोई भी करा ले चलेगा पर प्राइमरी ड्यूटी तो आपकी बनती है क्योंकि गुड्स आपका है अगर ट्रांसपोर्टर ने मना कर दिया कि भैया मेरी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है मैं तो गुड्स लेकर के जा रहा हूँ गुड्स वहां जाए निकले खराब निकले तो मेरी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तो आप कौन जिम्मेदार होगा ऑनर ही रिस्पांसिबल होगा ना ऑनर की तो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है बच्चा ऑनर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गुड्स ऑल एंड ऑल लॉसेज समझ आया इफ नॉट मरीन देन ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस यस बच्चा वहां ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस होता है वहां पर अधिकतर ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस करवाते हैं क्योंकि गुड्स को अगर कुछ भी हो जाता है इन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस तो प्रॉब्लम आती है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल लॉसेस ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस होता है ओके okay? यस yes, कार्गो इंश्योरेंस दिस इज द फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड द कार्गो और गुड्स कंटेन यहां कार्गो का मतलब क्या है गुड्स कार्गो का मतलब क्या है बच्चा गुड्स and the personnel belonging to the crew and passengers Hull Insurance Hull insurance includes ship insurance include cargo insurance include all type of insurance due to marine Hull Hull it means whole insurance H U L Hull H U L L Hull it means whole insurance sorry insurance ka is yaha whole insurance under this the whole ship is insured Our ship can andar कोई भी गुड्स हो कुछ भी हो चाहे वो क्रू मेंबर्स हो चाहे वो पैसेंजर्स हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड गुड्स हो चाहे कुछ भी हो होल हल इंश्योरेंस इट मीन्स होल इंश्योरेंस अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट लाइक फर्नीचर फिटिंग टूल मशीनरी फ्यूल इंजन स्टोर्स जनरली ऑनर ऑफ शिप अंडरटेक्स हल इंश्योरेंस कौन लेता है बच्चा हल इंश्योरेंस जनरली कौन लेता है शिप ऑफ शिप ऑनर शिप ऑनर ठीक है अब ध्यान रखना यहां पर शिप की जगह वैसल वर्ड भी यूज हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैसल एंड शिप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैसल एंड शिप बताएं देखो तीन अलग अलग चीजें होती है वैसल शिप बोट तीनों के बीच में डिफरेंस बताएं वैसल शिप बोट सर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मरीन हम लोग इन्हें वैसल शिप और बोट में अलग अलग क्लासिफाई करते हैं ठीक है वैसल बहुत बड़ी टाइटैनिक जो थी वो वैसल थी वो शिप नहीं थी टाइटैनिक जो जहाज था वो वैसल था वो शिप नहीं थी ठीक है शिप जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जो जहाज चलते हैं उन्हें शिप कहते हैं, और जिन्हें हाथ से चलाना होता है वो बोट होती है ठीक है जनरली इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है दूसरे तरीके से अगर दस बारह पंद्रह लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए तो वो बोट यूज करे 100 लोगों को चाहिए तो वो शिप यूज करे और अगर किसी को हजार दो हजार चार सौ पांच सौ लोगों को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो वैसल यूज कर सकते अंडरस्टूड अंडरस्टूड एवरी यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताए नो प्रॉब्लम नो इश्यू लोवेश आयुषी अक्षिता अक्षिता जवर अर्णव माहेश्वरी अश्वल अंजीत अव्वल कौर और कौन कौन है क्लास में आज भाविका दर्श एकांश गर्वित गौरव हितांश करण कोमल मानवी मितुषी मोनाली नमन नंदनी निलय प्रांजल प्रीत एंड मीत दुग्गड़ प्रियल साम्या यश आज वंश कटारे एबसेंट ओके okay. यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आई एम श्योर बच्चा क्लियर ओके वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ेगा ट्रू वन फॉल्स में आ सकता है आप लोगों को शायद नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं एलएमएस प्लेटफॉर्म पर आई थिंक एल एम एस प्लेटफॉर्म पर नोट्स अवेलेबल हैं यस चैप्टर नंबर फोर बिजनेस सर्विस नोट्स एल एम एस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स यू गाइस कैन डू योर वर्क फ्रॉम देयर और अगर आपको यहाँ पर नोट्स नहीं डाउनलोड हो रहे हैं तो मैं आपको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए नोट्स यहाँ पर भी अपलोड कर देता हूँ चैप्टर नंबर फोर इलेवन डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है स्टूडेंट्स हाँ जी और कोई डाउट और कोई आदेश बिल्कुल यहां पर देखो आप लोगों के लिए डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है स्टूडेंट्स चेक करें एक बार बिल्कुल डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है ऑलरेडी डाउनलोडेड वेरी गुड नो नो डन चलिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम्युनिकेशन हमारे कोर्स से हट गया है तो हम लोगों को कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना है और वेयरहाउसिंग हमारे कोर्स में है हम वेयरहाउसिंग पढ़ेंगे लेकिन कल हम लोग स्टूडेंट चैप्टर नंबर सेकंड रिवाइज करेंगे वी विल डू रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर सेकंड तो स्टूडेंट्स प्लीज एक बार आप लोग भी अपने तरफ से रिवाइज करो जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स फटाफट से पूछ लेना ठीक है हनी आपको चैप्टर नंबर 1 चाहिए था राइट right? ओके आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट यश दिलखुश भैया आपको क्या ओके okay. uh, एक बार एक सेकंड, एक सेकंड, ऑल ऑफ यू यस स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर टू के अंदर यहां पर देखें चैप्टर नंबर टू लाइव क्लास चैप्टर नंबर टू है जस्ट मिनट यस स्टूडेंट्स लाइव क्लास चैप्टर नंबर टू का जो फोल्डर बना हुआ है हमारे एल एम एस प्लेटफॉर्म पर एक बार चेक करो करिएगा उसमें टिल टेंथ ऑफ मे इलेवेंथ बी एस टी लाइव बना हुआ है, है उसमें बच्चा आपको चैप्टर नंबर वन रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी इसमें चैप्टर नंबर वन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है चैप्टर नंबर वन की रिकॉर्डिंग यहां अवेलेबल है बच्चा ओके हनी एंड ऑल द न्यू स्टूडेंट्स भाविका दिलखुश प्रियल ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हु माय क्लास इन चैप्टर नंबर वन बच्चा यहाँ पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं ठीक है ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अप्रैल से लेकर के आज तक की जितनी भी क्लासेस है बच्चा सारी क्लासेस आपको इसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में अवेलेबल है टिल टें टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इलेवेंथ बी एस टी लाइव ये एक बिग ब्लू बटन बना हुआ है चैप्टर नंबर टू के अंदर सबसे लास्ट उसमें आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी चैप्टर नंबर वन की भी सारी क्लासेस वहां अवेलेबल है अंडरस्टूड डन बच्चा क्लियर ओके गुड बाय तो चैप्टर नंबर थ्री के नोट्स नहीं है बच्चा आज डाउनलोड आज अपलोड कर देता हूं टुडे आई विल अपलोड ओके मोनाली